यह है मेन इंट्रेंस रामदेरा बट्टा के लिए। ये जंगल का एरिया है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे टाइमिंग जो है ये 9 AM से है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे चारों तरफ। पूरा आगे ऑफ रोडिंग दिख रहा है। सारे राइडिंग गियर सब इसी में रख दो। ये पार्किंग के पीछे एक तालाब भी है। ये बड़ा सा पार्किंग एरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं राइट हैंड साइड में। हम लोग पहुंच गए रामदेवरा बट्टा हिल और ये है एंट्रेंस। सो ये मंदिर का एंट्रेंस है। अंदर घुसते ही भगवान गणेश की साइड मूर्ति है और ये साइड में पत्थर पे भी विशाल मूर्ति बनी हुई है। सो 400 स्टेप्स है यहाँ पे। 150 स्टेयर्स हम लोग कर चुके हैं। ये पूरा पत्थर उठाया मैंने। भारी पहाड़ था, हम लोगों ने उठा लिया। साथ में अर्जीश ने भी उठाया उसको। हम लोग लगभग 200 प्लस सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। सीधे सामने टेम्पल दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये शंकर भगवान का मंदिर है, दो पहाड़ों के बीच में। ये रेस्ट करने के बाद काफ़ी तेज़ी से सब लोग ऊपर चले गए। ये यहाँ पे हनुमान जी का पेंटिंग बना हुआ है। यहाँ पे टेंपल है। और थोड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे सीधी सीधी सी आ गई हैं। ये दो पत्थरों के बीच में से जाना है और ये मंदिर का शिखर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ये है रामदेवरा बट्टा। ये है सीता कुंड। यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान राम ने इसको अपने तीर से बनाया था एक बार में। सो आ जाओ मंदिर में। और जब भगवान राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ था तो सुग्रीव भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो उन्होंने जो राम दरबार की छवि देखी थी अपनी आंखों में, उसी को अपने कारीगरों से यहाँ पे बनवाया उन्होंने इस मंदिर में। और वो आज भी पत्थर पे अकेली ऐसी प्रतिमा है जो पत्थर के ऊपर है, राम भगवान राम के राज्याभिषेक की। इसीलिए इस मंदिर को बोलते हैं पट्टाभिरामा, मतलब राज्याभिषेक जब हुआ था भगवान राम का। ये है पूरा मंदिर। ये है मेन मंदिर। यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, सीता जी सबकी मूर्तियां हैं। इधर पट्टाभिरामा अंत हेले मतलब इधर एकशिला अंदर सिंगल स्टोन राम कूतकोंडिदारे ವನವಾಸ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಈ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದು ರಾಮದೇವರು ವನವಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಸುಗ್ರೀವ ದೇವರು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂಕಾಸುರನ ರಾಕ್ಷಸ ಸುಗ್ರೀವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹನ ಇಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾನೂಕಚೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅದು ಬಂದು ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಮದೇವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಾಮದೇವರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಆಳನೇ ಕಂಡಿಡಿದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಳ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ನೀರು ಒಣಗಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಉದ್ದದ ಬಂಡೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 7 ಜನ ಋಷಿಗಳ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ठीक पीछे पट्टाभिरामा स्वामी टेम्पल है और इसके सामने ही है कुंड, इसे बोलते हैं भगवान राम ने अपने धनुष से बनाया था जहाँ पे सीता जी स्नान किया करती थी। आज भी वहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं। तो भगवान राम के निशान जो हैं वो जगह जगह पे हैं, जहाँ भी आप जाओ कुछ ना कुछ मिल जाता है। मंदिर के बगल से यह है ट्रैकिंग पाथ जो ऊपर जाता है। मंदिर के पीछे से हम लोग थोड़ा सा चढ़ के आ गए और अब जा रहे हैं इधर और ये सामने पूरा व्यू दिख रहा है। रास्ता खा रहे तो हमारे साथ आज फिर से है अर्शदीप।
ये कुछ ऐसा स्टेयर है, ये नीचे गेट दिख रहा है और जो व्यू है वो तो अल्टीमेट है यहाँ पे। सो ये पूरा ट्रैकिंग का पाथ है। सो ये पूरा किले टाइप का बना हुआ है दीवार, ऐसा जैसे फोर्ट की दीवारें हैं, बड़े बड़े पत्थर, पैर पत्थर है यहाँ पे और काफी स्लिपरी हैं, तो काफी संभल के आए। कुछ इस तरह के पत्थर है ये। मौत से बचने का तरीका है कि वाइल्ड वाले जूते पहनो जो वाइल्ड में अच्छे हो, ताकि तुम स्लिप करके यो गिर ना जाओ। सो थोड़ा सा और ट्रैक बचा है, सब लोग फोटो सेशन के बाद अब हम लोग फिर से जा रहे हैं। सामने हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये बहुत ही स्ट्रेट सा है। लोग पकड़ पकड़ के जा रहे हैं सीढ़ियों को, बिल्कुल ये खड़ी चढ़ाई है। यहीं पे ऑन द वे हाफ आ चुका हूँ मैं और अभी ऊपर काफ़ी जाना है। पूरा हाईवे दिख रहा है, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के बाद हम लोग ऊपर आए हैं। लुक एट दिस प्लेस, ये तीन हीरो आईआरसी के ऊपर आ गए हैं जान जोखिम में डाल के। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, डर लगा पर हमने कहा डर के आगे जीत है। तो ये अभी नीचे जा रही हैं, बिल्कुल कैमरा मुझे एकदम नीचे करना पड़ रहा है तब दिख रहा है ये। सी अब रतनदीप जा रहे हैं, ये डर के नीचे जीता है अभी। बिल्कुल ही स्ट्रेट दिख रहा है ये, बट इजी है, अगर आप नहीं डरोगे तो इजीली आप इसको पार कर जाओगे। डर के आगे जीत है, हम लोग पूरा ऊपर का वो ट्रैक पार करके नीचे आ गए सही सलामत। Yeah, that's around 70 to 80 degrees climb, but there are railings, so nothing to worry, it's very easy. आने के बाद ये और रास्ता कटा हुआ है इस तरफ, so ये हम लोग अलग पत्थर पे आ गए हैं और यहाँ पे पत्थर की पूरी दीवार है। ये नीचे यहाँ से मंदिर दिख रहा है, ये सामने यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है छोटी छोटी चढ़ने के लिए, ज़्यादा ऊँचाई नहीं है। ये पहाड़ पे थे वो, जहाँ से वो गार्ड आदमी जा रहा है वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता था, उतर के फिर हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं। और देखो इस बंदे को यहाँ बैठ के पानी और चिप्स खा रहा है। सो जो ऊपर का लास्ट स्टेज था वो अराउंड 90 डिग्री ऐसे पूरा खड़ा पहाड़ था और उसको चढ़ने में बहुत ही मजा आया और थ्रिल भी था, डर भी लगा। सो ये मंदिर है, मंदिर के साइड में जहाँ पे अर्शदीप खड़े हैं यहाँ से ट्रैकिंग का ऊपर पाथ है, यहीं से हम लोग नीचे आए हैं और यहाँ पे घंटी है और यहाँ नीचे गेट है, तो हम लोग अब जा रहे हैं नीचे गेट की तरफ। से सामने गेट दिख रहा, देवी देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी हुई है बना हुआ। सो गेट से हम लोग निकल गए, दोनों तरफ पत्थर है यहाँ पे और काफी स्लिपरी टाइप के रॉक्स हैं। हम लोग नीचे आ गए यहाँ पे और पूरा जंगल है ये। जब मेरी पिछली विजिट थी तो पुजारी ने बताया था कि भगवान राम इसी रास्ते से आया जाया करते थे, तो हम लोग आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और पत्थरों के बीच में से पतला सा रास्ता जा रहा है। घंटी की आवाज़ आ रही है, शायद हम लोग मंदिर पहुँच गए। पूरा नीचे डाउन डाउन उतरते हुए हम लोग आ रहे हैं और ये हम पहुंच गए टेंपल के पास। वाह, और ये सिंगल पत्थर पे मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। रामा इद्दे के ने आदो प्रतिष्ठापने मटर अंत सुग्रीव सुग्रीव ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದೇನೋ ಅದೇನೋ ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಬಂದು ಧನಸ್ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಅಯೋಧ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ರಾಮದೇವ್ ಬೆಟ್ಟ, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಭದ್ರಾಚಲ ಮೂರು ಜಾಗ ಇದನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ ಇದು ಸರ್ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ
ಅದು ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್. ನೀವೇನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೇದಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಹಜಾರ್ ಸಾಲ್ ಪುರಾಣ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ. अच्छा वो पीछे का पूरा दिख रहा है पेड़ निकलने से, तो बाद में इसको फिर साइड का रिकंस्ट्रक्ट किया गया है यहाँ पे. दिस कंस्ट्रक्शन इज न्यू. बाकी ये बहुत पुराना टेम्पल है, ये 3 साल हो गए. और ये पुराना सप्तर्षि बनाने का मंदिर है. ओके, इन्होंने सप्तर्षि ने बनाया था. सप्तर्षि ने इसको बनाया. और ऊपर वाले को सुग्रीव जी ने बनाया जब रामा इतना के मंदिर बनता है. ये कैसे लेके रहा राम थे तभी उसी समय का बनाया सुग्रीव जी. तो ये मंदिर हनुमान मंदिर के बाहर ये यहाँ पे रास्ता है और ये पूरा द्वार बना हुआ है यहाँ पे. शायद किला का भी ये बंद कर रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे. दिस राम बेटा इट इज नोन फॉर सुग्रीव जी फॉर्म दिस रामास आइडल. द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल इज दैट द एंटायर रामा सीता एंड देन लक्ष्मण ऑल द 3 आर मेड इन ओनली 1 stone. सो द एंटायर आर्किटेक्चर. And here in the back side of the temple, you can see the huge mountain that has got all the 7 rishis. We call it as the Sapta Rishis. And Sugriva came down and then he made one more temple of Hanumanji. This is the one. This temple is around, this Hanuman temple is around 700 years old. Okay. All his soldiers used to stay here in this place. Okay. Prox gate say ye 60 to 70 meter hai. और इजी है आना यहाँ पे अगर आपने अच्छे जूते पहने हुए हैं एंटी स्लिप वाले. और वर्थ है यहाँ पे विजिट करना. पूरा केव है. हम लोग केव के अंदर जा रहे हैं. आ जाओ. काफ़ी बड़ी सी केव है. केव है और ये 3 केव मैन है. हम लोग केव एक्सप्लोरेशन में निकले हुए हैं. हम अर्ली मैन है. पत्थर को उठाओ. अब इसी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हमें ऊपर जाना है. ये पूरा यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ गए थे. भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जब आप एक्सप्लोर करते हो, लोकल से बात करते हो और टेंपल्स को विजिट करते हो. और अगर आप जरा सा ध्यान दो तो जो पुराने ज़माने के लोग थे उनका जो ब्रेन था बहुत ही शार्प था. वो जानते थे कि सिर्फ स्टोन से बनी हुई चीज़ें ही हजारों साल तक रह सकती हैं. यह है सबका हाल. ट्रैक के बाद सिर्फ नीचे 3 लोग गए थे. हमें खाना दे रहा है. तो ये एक और हिल है और श्री रामेश्वरा स्वामी टेम्पल. ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है. टेम्पल के ठीक सामने यहाँ पे है कुंड और वो दिख रहा है पट्टाभिरामा स्वामी टेम्पल. इधर यहाँ पत्थर पे गणेश भगवान की मूर्ति है लेफ्ट हैंड साइड में. सो ऊपर शंकर भगवान और पार्वती जी की मूर्ति है और ये श्री रामेश्वरा स्वामी टेम्पल. हर हर महादेव. So, ये बैठने के लिए स्पॉट बना हुआ है यहाँ पे. पहाड़ी है यहाँ से दिखता है. और ये सामने जो पहाड़ी पे लोग खड़े दिख रहे हैं ऊपर, हम लोग वहाँ गए थे. कुंड में पानी काफी कम हो गया है और यहाँ से मंदिर बिल्कुल गोल्डन ही चमक रहा है. और ये सप्तऋषि वाले पत्थर इधर लेफ्ट हैंड साइड में बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है. टर्डे संडे को यहाँ भगवान का प्रसाद मिलता है. मंदिर के बाहर ही डोनेशन काउंटर है. सो ये डोनेशन का स्कैन कोड और ये फ़ोनपे नंबर. ये भगवान का और राम का प्रसाद यहाँ बट रहा है और सब. मंदिर में प्रसाद हम लोगों ने खा लिया और खाना खा करके हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे. तो ये आ गए हम लोग मेन गेट पे.